हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंखधार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को आज जो टॉपिक करा रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में लॉन्ग आंसर्स में आता है। क्या टॉपिक है? खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी आपका इस चैप्टर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कह लीजिए या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कह लीजिए, और या और भाई दूसरा टॉपिक है आपका खगोलीय दूरदर्शी। तो इन टॉपिक्स में ये एग्ज़ाम में आते बहुत हैं, वो भी लॉन्ग आंसर्स में। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन बताएं कि खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है। इंग्लिश में कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या होता है भाई, देखिए सुनिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दूरदर्शी जो होता है, ये दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। जैसे जितने भी ये साइंटिस्ट वगैरह हैं अंतरिक्ष में ग्रह उपग्रह वगैरह देखते हैं, तो अंतरिक्ष में जितने भी ये ग्रह उपग्रह सैटेलाइट्स वगैरह जो देखे जाते हैं वो टेलीस्कोप की सहायता से देखे जाते हैं। तो बच्चों डायग्राम बनाने में इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको क्वेश्चन बता दें, और आज जो हम आपको रिटेन वर्क भेजेंगे उसमें आपको क्वेश्चन भी भेजेंगे कि ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में कैसे आएगा, क्योंकि कई बार होता है बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन हम जरूर भेजेंगे कि ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में कैसे आएगा। देखिए कैसे आता है, खगोलीय दूरदर्शी की रचना एवं प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो रचना कंस्ट्रक्शन और प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख से मतलब होता है, वो पूछा है आपसे डायग्राम, ये जो बना हुआ है ये डायग्राम, और ये डायग्राम आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे आप पेंसिल से नीट एंड क्लीन बिल्कुल, ठीक है। अब सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी क्या है भाई? दूरदर्शी टेलीस्कोप कहलाता है इंग्लिश में, जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। अब आ जाइए रचना पे, ठीक है। बेलनाकार नली होती है, यह एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पे अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, ठीक है। इस नली के संपर्क में एक अन्य नली लगी होती है जिसमें कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर रखा जाता है, वस्तु मतलब कि इसे टेलीस्कोप से हम ग्रह देख रहे हैं, सैटेलाइट को ही देख रहे हैं, तो अभिदृश्यक लेंस तो आप रखेंगे वस्तु की ओर, और नेत्रिका लेंस रखेंगे आंख की तरफ जिससे हम कोई वस्तु देख रहे हैं। तो बच्चों इसमें एक फिर से बताते हैं कंस्ट्रक्शन, यह एक बेलनाकार नली होती है, ठीक है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है। नली के संपर्क में एक अन्य नली होती है जिसमें कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर रखेंगे और नेत्रिका लेंस को हमेशा आंख की ओर रखेंगे, ठीक है। अब बताते हैं प्रतिबिंब का बनना। सुनिए डायग्राम, पहले तो आप जरा डायग्राम में दो तीन बातें समझ लो ध्यान से, क्या मिस्टेक आप, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनसे पूरे डायग्राम का अर्थ बदल जाता है। देखिए कैसे, इन तीनों रेस को इस लाइन से मत मिलाइएगा, इन तीनों रेस को इस लाइन से मत मिलाइएगा, क्योंकि वस्तु कहाँ है भाई, अनंत पे है। आप भाई ये तारे वगैरह देख रहे हैं, ग्रह उपग्रह देख रहे हैं, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, तो भाई आपको कोई डिस्टेंस तो नहीं पता है। अगर जैसे गलती से आपने ये तीनों रेस इससे मिला दी, वस्तु ए भी है वस्तु ए भी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको डिस्टेंस पता है। भाई हमें थोड़ी पता कि चंद्र भाई हमसे, जो भी हम प्लेनेट देख रहे हैं या सैटेलाइट देख रहे हैं हमसे कितनी दूर है। तो भाई अभिदृश्यक लेंस
भाई हमें थोड़ी पता कि कोई भी सैटेलाइट या प्लेनेट है वो हमसे कितनी दूर है। तो इन तीनों रेस को इससे मत मिला दीजिएगा, ये वस्तु क्या है, ये भी है, ये अभिदर्शक लेंस है। बच्चे एक मिस्टेक और करते हैं, दोनों लेंस बराबर की बना देते हैं, नहीं ये थोड़ा बड़ा बनेगा और ये थोड़ा छोटा। इसमें ए भी एक वस्तु है, एल वन एक अभिदर्शक लेंस है, जबकि एल टू एक नेत्रिका लेंस है। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। कैसे पहचाना वास्तविक बनना है, भाई डार्क बनना है। उल्टा कैसे पहचाना, वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे है। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए वी का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। अच्छा बच्चों, नेत्रिका के लिए कार्य करता है। ठीक है, नेत्रिका द्वारा ए डैश बी डैश का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। ठीक है, आभासी बनना है कैसे पता लगा, डॉटेड है। सीधा बनना है कैसे, ए डैश बी डैश भी नीचे है और ए डबल डैश भी नीचे है। ठीक है, तो नेत्रिका द्वारा ए डैश बी डैश का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। आभासी कैसे बनना है, डॉटेड, ऐसा मत करना, आप इसको डार्क कर दो। डार्क से मतलब हो गया कि प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक बनना है, नहीं। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में ध्यान रखी जाती हैं कि भाई प्रतिबिंब आपका आभासी बनना है तो आप डॉटेड दिखाएंगे, डार्क बनना है तो स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे आप। ठीक है, सीधा बनना है कैसे, ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश की डायरेक्शन कैसी है, एक जैसी है। ठीक है, तो बच्चों अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें डायग्राम में भाई पेंसिल से ड्रॉ करिए, इन तीनों किरणों को वस्तु ए बी से मत मिलाइएगा। और कौन सी चीज, और एक चीज और, हाँ आप लोगों को हम जो रिटेन वर्क में डायग्राम भेजेंगे यहां पर ह्यूमन आई बनेगी, जैसे स्पेस की कमी थी, स्पेस की कमी की वजह से यहां पर ह्यूमन आई नहीं बन पाई। ठीक है, तो यहां पर ह्यूमन आई बनेगी और एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दें। ठीक है, क्या है, देखिए खगोलीय दूरदर्शी जो होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। ठीक है, दूरदर्शी में एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी का नली के संपर्क में एक अन्य नली होती है जिसके दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसको नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, अब बताते हैं आपको प्रतिबिंब का बनना या कार्यविधि, क्या कार्यविधि है। देखिए अभिदर्शक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। वस्तु कौन सी है इसमें, ए बी। इन तीनों रेस को इससे मत मिलाना, क्यों, क्योंकि भाई हमें डिस्टेंस तो नहीं पता कि कोई भी आप प्लेनेट या सैटेलाइट है हमसे कितनी दूर है। तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका द्वारा ए डैश बी डैश का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। देखिए कैसे पहचाना, वास्तविक प्रतिबिंब बनना है वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश, देखिए वस्तु ए बी भी डार्क है और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश भी
का अर्थ है नेत्रिका वही एड है विलय का आभासी बनना है कैसे पहचाना डॉटेड है सीधा जो एड है विलय की डायरेक्शन है वही ए डबल डैश बी डबल डैश की डायरेक्शन है तो इसमें डायग्राम्स बच्चों नीट एंड क्लीन ड्रॉ करिए क्योंकि एग्जाम में डायग्राम्स का भी बहुत महत्व होता है कि आप जितने अच्छे डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे नीट एंड क्लीन पेन से मत ड्रॉ करिएगा उतना ही एग्जामिनर पे प्रभाव अच्छा पड़ता है और जो भी आप भाई डायग्राम्स और थ्योरी भी लिखी जाती है हेडिंग वाइज आप लिखिएगा थ्योरी मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो बच्चों एग्जाम्स में ये चैप्टर की थ्योरी आज कंप्लीट होती है रिटेन वर्क दे रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा और इसमें अब जो नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स आपको करवाएंगे ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आते हैं इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा तो वर्क क्लास आज आपकी ओवर होती है आप करवाएंगे नेक्स्ट टर्न पे थैंक यू।